प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी नहीं है। रात भर नेटफ्लिक्स और चिल के सपने देखने हैं, लेकिन जब 21 दिन घर पे बैठने की बात आई तो हमें ऑफिस जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालो, जब मीटिंग में टेबल के नीचे मोबाइल छुपा छुपा कर टिकटॉक इंस्टा करते थे तब नहीं गिरती थी इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने तो ठेका लिया रखा है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलकर बचा लेंगे। और ये जो लोग सुबह सुबह पार्क पे वॉक करने निकल लिए हैं, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टर्फ पे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं शुरू हो गई है, कुछ तो शर्म करो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए, यहां तक के पिक्चरों की रिलीजें भी बंद हो गई है, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स और पब वाले ये टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, लेकिन यहाँ उनकी दुकानों के बाहर तो लंबी लाइनें लगी हुई है। 11-11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुले हैं। अरे निब्बा निबियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर्स लगा लगा के फोटो पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरी न्यूट्रेला फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, फेज 3 में चले गए ना, तो उसी मोबाइल से गूगल करके देख लो, इटली और स्पेन और चाइना की न्यूज पढ़ लो, असली कोरोना का स्ट्रेस क्या होता है ना वो पता चल जाएगा आपको। अरे मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, आता है इनको। डॉक्टर फौकी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट है वायरस होके, और वो भी कह रहे हैं कि अगर ओवर रिएक्शन लग रहा है ना तो भी घर पे बैठो। लेकिन नहीं, हमें तो यहां पे ट्रेनें पकड़ पकड़ के जुहू बीच पे पाव भाजी खाने आना है, और ऐसे ही करते रहना तो एक दिन ट्रेनें भी बंद हो जाएगी, फौकी देख लेगा ना तो डिप्रेशन में चले जाएगा बेचारा, नौकरी छोड़ देगा। इटली दुनिया को वीडियो बना बना के भेज रहा है कि 10 दिन में उन्होंने क्या गलतियां की है, हम वही सारी गलतियां कर रहे हैं। अगर दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने बोले ना तो उसे भर भर के गाली दो, खुद भी घर पे बैठो और दोस्तों को भी बोलो कि घर पे बैठे अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज फैलाते जाओ जब तक गवर्नमेंट कुछ गुड न्यूज नहीं दे देती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल्स में जा चुके हैं, सब पर एक साथ आई है मुसीबत, अगर एक साथ काम करेंगे तो निकल जाएंगे इससे। खुद पर और दूसरों पर भरोसा करो ना, प्लीज अभी ट्रैवल मत करो ना, लोगों से दूर रहो ना, हैंड वॉश करो ना, खुद को अपग्रेड करो ना, बुक्स पढ़ो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, हैंड वॉश करो ना, घर पे रहो ना, घर से काम करो ना, घर के काम करो ना, मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड करो ना, वीडियो कॉल करो ना, मेडिटेट करो ना, नमस्ते करो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। मेरे वीडियो को लाइक करो ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, मुझे सपोर्ट करो ना। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।